एंड वेलकम ऑल टू माई चैनल इन्फिन इनसाइट्स। ब्यूटिफुल एंड लॉन्ग हेयर्स हम सभी चाहते हैं, बट होते बहुत कम लोगों के हैं। रीजन्स एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, अगर हम उनके केयर नहीं कर रहे हैं तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, जैसे ड्राई, फ्रीजी, ब्रिटल होने के साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, जिससे मोस्टली लोग डरते हैं, हेयर फॉल, वो भी स्टार्ट हो जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ हेयर फॉल एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम हेयर लॉस। हेयर लॉस में आपके चंक्स ऑफ हेयर जो हैं वो गिरते हैं, लेकिन हेयर फॉल में आपके कुछ एक स्ट्रैंड्स, नियर अबाउट 100 स्ट्रैंड्स अगर आपके गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल हैं, वो हेयर फॉल में आता है। हेयर लॉस होगा जब बाल्डनेस की प्रॉब्लम होगी, एंड अगर आपको बाल पैचेस नज़र आने लग जाएं अपने स्कैल्प पे तो समझ लीजिए वो हेयर लॉस है। डाइट चेंजेस भी मैंने आपको बताया कि व्हाट डाइट चेंजेस यू कैन डू टू स्टॉप हेयर फॉल एंड सम हेल्दी हैबिट्स टू कंट्रोल योर हेयर फॉल, एंड देर आर सर्टेन थिंग्स जस्ट बाय फॉलोइंग देम आप अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हाउ टू कंट्रोल योर हेयर मास्क विद हेयर फॉल सॉरी विद सर्टेन हेयर मास्क। नॉट ओनली ये हेयर मास्क आपका हेयर फॉल कंट्रोल करेंगे, बट आपको नेचुरल कलर भी प्रोवाइड करेंगे, आपके नेचुरली डार्कर हेयर्स होंगे एंड विल हेल्प यू रीग्रो योर लॉस्ट हेयर्स एज वेल। आपके थिक हेयर्स एंड हेल्दी हेयर्स हो जाएंगे इफ़ यू आर यूजिंग दीज हेयर मास्क। फॉर द फर्स्ट हेयर मास्क हमें क्या क्या रिक्वायर है हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट हेयर मास्क हमारा जो है वो बेस्ड है ब्लैक पेपर, फेनेग्रीक सीड्स एंड कोकोनट ऑयल पे। सो इसके लिए हमें यही तीनों इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, कोकोनट ऑयल, फेनेग्रीक सीड्स जिनको हम मेथी दाना भी कहते हैं, एंड ब्लैक पेपर यानी के काले मिर्च। सो फेनेग्रीक सीड्स एंड ब्लैक पेपर जो है वो आपको क्रश्ड फॉर्म में रिक्वायर्ड है, यानी के पाउडर्ड फॉर्म में रिक्वायर्ड है। इन केस अगर आपके पास इनका पाउडर ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो बहुत सही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने इनको ड्राई रोस्ट करके इनको पाउडर फॉर्म में यूज़ कर लेना है। सो बिकॉज मेरे पास मेथी दाना है, सो आपको करना क्या है, सबसे पहले मेथी दाना ले लें, 2 टेबल स्पून के अराउंड आपको मेथी दाना लेना है। इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको ड्राई रोस्ट करना है, अदरवाइज वो रोस्ट नहीं होगा, वो पूरा जल जाएगा एंड उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हमें न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय नहीं करने हैं, हमें सिर्फ उसे ड्राई रोस्ट करना है ताकि वो इजीली ग्राइंड हो जाए। जब वो अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया हो तो फिर हम उसे ग्राइंडर में डालकर पाउडर फॉर्म में बदल कर लेंगे। अब काले मिर्च और मेथी दाना दोनों को ही पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, दोनों का ही हमें इक्वल क्वांटिटी लेना है, 2 टेबल स्पून दोनों के, 2 टेबल स्पून आप लेंगे काले मिर्च के एंड 2 टेबल स्पून ही आप लेंगे मेथी दाना के। तो इनको इनमें अब आपको अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग एंड हेयर के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कोकोनट ऑयल ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर लें, इस सारे पेस्ट को बना लें अच्छे से, इनको पूरा प्रॉपरली मिक्स कर लें। जब ये एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपको इसको अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है एंड लेट इट सिट फॉर गुड 20 मिनट्स एंड आफ्टरवर्ड्स वॉश विद अ माइल्ड शैम्पू एंड डोंट फॉरगेट टू कंडीशन योर हेयर्स, बिकॉज कंडीशनिंग हमारे हेयर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हेयर मास्क में प्रोटीन एंड एसेंशियल फैट्स होते हैं जिसकी वजह से कि आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो प्रमोट होती है एंड आपका हेयर लॉस जो है उसको प्रिवेंट करता है ये। सो दिस हेयर मास्क विल प्रमोट योर हेयर ग्रोथ एंड विल प्रिवेंट योर हेयर लॉस। कमिंग टू द सेकेंड हेयर मास्क, इसमें हमें रिक्वायर्ड है बीटरूट, जिसे हम चुकंदर भी कहते हैं। उसकी हम लीव्स लेंगे, बीटरूट हम नहीं लेंगे, उसकी हम लीव्स लेंगे एंड हमें रिक्वायर्ड है हीना लीव्स। सो हीना
अगर आपके पास लीव्स नहीं है तो आप हीना का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो मेहंदी वाला पाउडर होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बीट रूट में वाइटामिन B6 एंड सी होता है, उसमें कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे फोलेट, मैंगनीज, पोटेशियम, बिटोइन, जो कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल करता है एंड आपके हेयर्स को एक नेचुरल कलर एंड शाइन प्रोवाइड करता है। सो इट विल ऐड दैट नेचुरल शाइन एंड कलर टू योर हेयर्स अगर आप ये वाला हेयर मास्क अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, 15 टू 20 बीटरूट या चुकंदर की लीव्स को ले लीजिए, उनको छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लीजिए, ग्राइंडर में डालना है। अब आपको इसको 2 से 3 टेबलस्पून आप हीना पाउडर ऐड कर लें इसमें। पेस्ट बनाने के लिए आपको कोकोनट ऑयल भी चाहिए, ये है थर्ड इंग्रेडिएंट हमारे इस हेयर पैक का। नाउ आपको उतना ही कोकोनट ऑयल ऐड करना है जितने में कि आपका पेस्ट अच्छे से बन जाए। सो इस पेस्ट में हम आंवला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, आंवला पाउडर विल ऑल्सो गिव दैट ब्लैक कलर, नेचुरल ब्लैक कलर टू योर हेयर्स। सो आंवला पाउडर इज यूज्ड टू नेचुरली कलर योर हेयर्स ब्लैक, डार्कर योर हेयर्स हेयर कलर बेसिकली। सो पेस्ट को अपने स्कैल्प में आपको लगाना है, जब आपने ये अच्छे से पूरा पेस्ट बना लिया है उसके बाद आप इसको अलग से एक बाउल में निकाल लें, उसको अपने स्कैल्प में लगाइए एंड हेयर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी हेयर लेंथ है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट इट सिट फॉर 15 टू 20 मिनट्स एंड आफ्टरवर्ड्स वॉश विद अ माइल्ड शैम्पू। So with this I am ending my video here. I hope आपको video पसंद आया होगा। Do share your experience of hair fall control with me. Do share how these hair masks benefited your hairs and you. In this video, if you found it as informative and helpful, do like and share this video. Also, don't forget to subscribe to Infin Insights channel for more such videos and also press that bell icon to get notifications of all the latest uploads. Stay strong, stay healthy. Thank you all for watching this video. Take care. Bye-bye.